Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question, various career options in advertising. मतलब advertising field में क्या-क्या career options available हो सकते हैं. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि काफी सारे students जो है वो bank या CA firm या MNCs ये सारे companies में जो है वो अलग-अलग level पे काम करते हैं. बट उसी के साथ साथ एडवर्टाइजिंग ये भी पर्टिकुलर एक फील्ड है जहाँ पे भी काफी सारे करियर ऑप्शन जो होते हैं वो जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो सकते हैं. तो बेसिकली ये जो करियर ऑप्शन है उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एड एजेंसी के अंदर क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, एड मीडिया में क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं और दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में. तो ये सबको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एड एजेंसी के फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एड एजेंसी में क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं. तो सबसे पहला करियर ऑप्शन हो सकता है विजुअलाइजर. नाउ बेसिकली विजुअलाइजर कौन होते हैं? तो विजुअलाइजर्स वो होते हैं जो इमेजिन करते हैं कि एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिखेगा. सो ये लोग का काम होता है विजुअल कॉन्सेप्ट बनाना, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में क्या स्टोरी लाइन होगा, एडवर्टीजमेंट में कौन से कैरेक्टर्स होंगे, एडवर्टीजमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा या एडवर्टीजमेंट का लेआउट कैसा होगा, कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस की जाएगी, ये सब चीजों को वो लोग यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं और उससे उनको एक आइडिया मिलता है कि फाइनल एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिखेगी. विजुअलाइजर जो होते हैं वो एडवर्टीजमेंट मैसेज का ओवरऑल लेआउट जो होता है वो प्रिपेयर करते हैं, मतलब वो एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिखेगा तो उसका एक पूरा लेआउट या स्ट्रक्चर जो होता है वो बनाते हैं. अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको करियर करना है तो उसके लिए आपके पास कमर्शियल आर्ट या फाइन आर्ट का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. तो अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ये डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेस अवेलेबल हो सकते हैं. उसी के साथ साथ एज अ विजुअलाइजर करियर करने के लिए यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसमें है फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ. तो ये सारे सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है बिकॉज ये सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाने में वो विजुअलाइजर को हेल्प करता है कि उसमें वो अलग अलग चीजें ट्राई करके देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे दिख सकता है और उसमें फिर वो पॉसिबल चेंजेस करके फाइनल एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो विजुअलाइजर को विजुअल्स बनाने में हेल्प करते हैं. इसके लिए ये सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर एज अ विजुअलाइजर करियर करना है तो. सेकेंड करियर ऑप्शन इज कॉपीराइटर. नाउ कॉपीराइटर जो होते हैं वो एडवर्टीजमेंट का कॉपी लिखते हैं, मतलब जो भी टीवी एडवर्टीजमेंट होते हैं या प्रिंट एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें का जो टेक्स्ट मैसेज होता है या रिटर्न मैसेज होता है वो लिखने का काम जो होता है वो कॉपीराइटर्स करते हैं. सो एड कॉपी का मतलब क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट के अंदर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एड कॉपी. कॉपीराइटर जो होते हैं उनको एडवर्टीजमेंट का जो थीम है उसको ध्यान में रख के उसके हिसाब से टेक्स्ट लिखना रहता है. जैसे कि सपोज एक कोई डिटर्जेंट पाउडर है, उसके लिए अगर उनको टेक्स्ट लिखना है सो डिटर्जेंट पाउडर के लिए क्या थीम बनाया गया है कि जिसमें गंदे कपड़े हैं, फिर वो गंदे कपड़ों को वो क्या करते हैं बकेट के अंदर भिगोते हैं, उसमें वो डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, फिर बाद में वो कपड़े साफ होते हैं. तो ये पूरा जो थीम है उसको ध्यान में रख के उसके हिसाब से जो एडवर्टीजमेंट का कॉपी है या जो टेक्स्ट है वो लिखना बहुत जरूरी होता है. सो जो भी कॉपी राइटर्स है उनको पहले अपना एडवर्टीजमेंट का थीम जो है वो देखना है और उसके हिसाब से टेक्स्ट को लिखना है बिकॉज कॉपी राइटर जो होते हैं वो एड मैसेज को इफेक्टिव तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कॉपीराइटर जो लिखते हैं वो अगर इफेक्टिव तरीके से होगा तो उसके वजह से जो भी ऑडियंस है उनको इंड्यूस करना और प्रोडक्ट परचेस करने के लिए कन्विंस करना काफी इजी हो सकता है. सो इसके लिए एडवर्टीजमेंट का मैसेज जो होता है उसको इफेक्टिव मैनर में लोगों तक पहुंचाने के लिए कॉपीराइटर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कॉपीराइटर जो होते हैं वो एडवर्टीजमेंट के लिए स्लोगन्स, जिंगल्स या स्क्रिप्ट वगैरह लिखने का काम करते हैं. नाउ कॉपीराइटर ये जो करियर है काफी क्रिएटिव और चैलेंजिंग भी है. कॉपीराइटर जो होते हैं उनका लैंग्वेज के ऊपर प्रॉपर कमांड होना बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट लिखना है या आपको अलग अलग वर्ड्स वगैरह यूज करने हैं तो हर एक वर्ड जो है उसका अलग कनोटेशन होता है, उसका अलग मीनिंग होता है. तो प्रॉपर अगर लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगा तो इफेक्टिव वर्ड जो है उसको एड कॉपी में इंक्लूड करके कॉपीराइटर जो है वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर कोई भी गलत वर्ड एड कॉपी में इंक्लूड हो गया तो उसका एक बैड इम्पैक्ट जो है वो ऑडियंस के ऊपर क्रिएट हो सकता है. तो इस हिसाब से कॉपीराइटर जो होते हैं उनका लैंग्वेज के ऊपर प्रॉपर कमांड होना चाहिए और प्लस कॉपीराइटर जो होते हैं उनको अपने आइडियाज को वर्ड्स में कन्वर्ट करने आना चाहिए, मतलब उनको दिमाग में सोचना चाहिए और वो दिमाग में जो उन्होंने सोचा है उसको उनको वर्ड में प्रेजेंट करने भी आना चाहिए. कॉपीराइटर बनने के लिए यहाँ पे जो भी पर्सन है उनको
क्लाइंट के नीड को एनालाइज करने आना चाहिए, मतलब क्लाइंट को क्या चाहिए या उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऑडियंस तक क्या पहुंचाना है ये एनालाइज करने के लिए आना चाहिए। फिर बाद में रिसर्च स्किल भी होना चाहिए जिसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, मतलब कॉपीराइटर को कॉपी लिखने के लिए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी होना बहुत जरूरी है। तो कॉपीराइटर क्या करेंगे, जो भी बिजनेसमैन है या जो भी एडवर्टाइजर है उसका प्रोडक्ट जो है उसको स्टडी करेंगे, उसका प्रॉपर रिसर्च करेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से वो कॉपीराइट करेंगे। तो इसके लिए एज अ कॉपीराइटर करियर करने के लिए क्लाइंट के नीड को एनालाइज करने की स्किल होनी चाहिए प्लस रिसर्च की स्किल भी होनी चाहिए। देन थर्ड करियर ऑप्शन इज अकाउंट एग्जीक्यूटिव। नाउ जब भी हम लोग ने एड एजेंसी का स्ट्रक्चर देखा था और सर्विसेज देखा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था अकाउंट का मतलब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला अकाउंट नहीं होता है। तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एड एजेंसी के पास काफी सारे क्लाइंट्स होते हैं और वो क्लाइंट जो होते हैं उनको ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव सर्विसेज देते हैं। जैसे कि सपोज ये एड एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव है और ये क्लाइंट है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, ये जो क्लाइंट है अपने रिक्वायरमेंट ये एग्जीक्यूटिव को बताएंगे और एग्जीक्यूटिव जो है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एडवर्टीजमेंट का बजट प्रिपेयर करके देंगे या उनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करके देंगे। तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं या क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज किसी भी एड एजेंसी के लिए क्लाइंट्स काफी जरूरी होते हैं। अगर हम लोग उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं देंगे तो क्लाइंट जो है दूसरे एजेंसी के पास जाएंगे। तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली उनके अंडर जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको प्रॉपर सर्विसेज देते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उनके साथ एक रिलेशन डेवलप करते हैं। सो ये जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्लाइंट और एजेंसी के बीच में एज अ लायसन काम करते हैं। नाउ लायसन का मतलब क्या होता है, लिंक करने वाले, जोड़ने वाले, वो क्लाइंट और एजेंसी को जोड़ते हैं, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एजेंसी तक पहुंचाना और एजेंसी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट तक पहुंचाना, ये काम जो होता है यहाँ पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव करते हैं। इसके लिए इनको लायसन ऑफिसर भी बोला जा सकता है। ये लोग क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन जो होता है मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। अभी इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर करियर करना है तो उसके लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है और लीडरशिप क्वालिटीज होनी भी बहुत जरूरी है। नाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड क्यों होना है, बिकॉज यहाँ पे एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव के अंडर काफी सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं और क्लाइंट कभी भी किसी भी चीज के लिए पूछ सकते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर अकाउंट एग्जीक्यूटिव वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो क्लाइंट के क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर्स दे पाएगा, टाइमली आंसर्स दे पाएगा। तो इसके लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। हर एक क्लाइंट की फाइल जो है उनके पास होनी चाहिए, हर एक क्लाइंट का डेटा जो है उनके पास प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट को अगर सर्विस देने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो वो क्लाइंट जो डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं। सो वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो जो भी क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी सर्विस क्लाइंट को चाहिए या जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव फुलफिल कर सकते हैं। प्लस लीडरशिप क्वालिटी भी यहाँ पे होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव होते हैं इनके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बिकॉज अगेन वो लोग क्या करें, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके वो क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन जो बिल्टअप कर सकते हैं। फिर बाद में इनको फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, कि बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना चाहिए, मतलब क्लाइंट किस नेचर के है या उनका मूड किस टाइप का है उसके हिसाब से जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है उन्होंने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, या क्लाइंट जो होते हैं वो कभी अपने रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकते हैं या उनको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए रहता है, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव उन सब चीजों के लिए रेडी होने चाहिए। उनको बिल्कुल भी रिजिड हो गए नहीं चलेगा, अगर क्लाइंट कोई चेंजेस के लिए पूछ रहा है तो वो चेंजेस करने के लिए वो रेडी होना चाहिए, वो क्लाइंट को ना नहीं बोल सकते। तो उनके पास फ्लेक्सिबल अप्रोच होना बहुत जरूरी है और उनको टाइम मैनेजमेंट स्किल भी आना चाहिए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो क्लाइंट को विद इन टाइम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट जो सेटिस्फाई करने में हेल्प होगा। सो यहाँ पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव के शोल्डर पे काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको क्लाइंट का हर एक एस्पेक्ट जो होता है वो हैंडल करना होता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज प्रोडक्शन वर्क। नाउ एडवर्टीजमेंट रेडी होने के बाद में उसका फाइनली यहाँ पे मैकेनिकल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है उसका लेआउट डिजाइन हो चुका है, कॉपीराइटिंग हो चुका है, आर्टवर्क भी कंप्लीट हो चुका है, प्लस वो सारी चीजें जो है क्लाइंट ने अप्रूव भी की है। तो अभी फाइनली क्या होगा, वो एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे फोटोग्राफर्स, प्रिंटर्स, टाइपोग्राफर्स ये सब जो होते हैं प्रोडक्शन टीम में अवेलेबल होते हैं। ये लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, टाइपोग्राफी मतलब उसके अंदर जो फॉन्ट वगैरह होते हैं वो एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा पूरा ये प्रोडक्शन टीम होता है। और ये जो प्रोडक्शन टीम होता है इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी एडवर्टीजमेंट का फाइनल कॉपी और आर्टवर्क बना हुआ है उसको रियल में कन्वर्ट करने का,
मतलब अभी तक एडवर्टीजमेंट का कॉपी रेडी हो चुका है और क्लाइंट ने उसको अप्रूव भी किया है, अभी उसका एक्चुअली में प्रोडक्शन शुरू होगा, वो एडवर्टीजमेंट को रियल में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे टीवी एडवर्टीजमेंट है तो उसका भी शूटिंग शुरू हो जाएगा, रेडियो एडवर्टीजमेंट है तो उसका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा, कोई पैम्पलेट पोस्टर्स बैनर ये सब है तो उसका प्रिंटिंग शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का जो भी फाइनल कॉपी है या आर्ट वर्क है उसको रियल में कन्वर्ट किया जाता है। प्लस यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी होता है जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है उनको फाइनल प्रोडक्शन को मॉनिटरिंग भी करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मैकेनिकल वर्क भी करना पड़ता है जहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्शन करते हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी करना पड़ता है। देन मीडिया प्लानर, ना मीडिया प्लानर जो होते हैं वो एडवर्टाइजर के लिए मीडिया प्लान करते हैं और मीडिया सिलेक्ट करते हैं, प्लस वो मीडिया के अंदर वो क्या करते हैं एडवर्टाइजर के लिए टाइम और स्पेस बुक करते हैं और वो एडवर्टाइजर के लिए एड बजट भी प्रिपेयर करते हैं। सो मीडिया प्लानर जो होते हैं वो बेसिकली मीडिया सिलेक्शन में, मीडिया में टाइम और स्पेस बुक करने में और मीडिया के हिसाब से जो भी एडवर्टाइजर है उसको बजट प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज जैसे हम लोग ने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में देखा था कि आजकल मीडिया का कॉम्बिनेशन करना बहुत जरूरी है, अलग अलग मीडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है, तो मीडिया प्लानर यहाँ पे एडवर्टाइजर को हेल्प करते हैं कि कौन सा मीडिया उनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा, जैसे कि टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इसका कॉम्बिनेशन, या फिर सेल्स प्रमोशन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसका कॉम्बिनेशन, ये सब कॉम्बिनेशन करने में और उस पर्टिकुलर मीडिया में टाइम और स्पेस बुक करना। जैसे कि न्यूज़पेपर में अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो कौन सा न्यूज़पेपर, फिर कौन से पेज पे, कौन से दिन पे, वो सब जो टाइम और स्पेस बुकिंग करने का जो काम होता है वो भी यहाँ पे मीडिया प्लानर को करना पड़ता है। प्लस एडवर्टाइजर जो है या क्लाइंट जो है उनका बजट जो होता है ये भी मीडिया प्लानर यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। सो जो भी कॉमर्स ग्रेजुएट है जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है और जो थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक भी जानते हैं वो ये पर्टिकुलर फील्ड में काम कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे कॉमर्स ग्रेजुएट्स क्यों चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लानिंग करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉमर्स ग्रेजुएट्स की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे स्टैटिस्टिक की जरूरत क्यों होती है, तो यहाँ पे मीडिया जब सिलेक्ट किया जाता है तो मीडिया का स्टैटिस्टिक जानना बहुत जरूरी है कि कौन से मीडिया की ज्यादा डिमांड है या कौन से मीडिया में ज्यादा लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, कौन से मीडिया के रेट्स क्या चल रहे हैं, ये सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, स्टैटिस्टिक कलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट्स का स्टैटिस्टिक का नॉलेज अच्छा होता है उनको भी यहाँ पे प्रिफर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज रिसर्च। नाउ रिसर्च डिपार्टमेंट जो होता है वो हर एक एजेंसी में जरूरी होता है। रिसर्च डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करते हैं, तो मार्केट का सर्वे करते हैं, कॉम्पिटिटर्स का सर्वे करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर का सर्वे करते हैं। सर्वे करना मतलब क्या, यहाँ पे उनका डेटा कलेक्ट करके लाना, जैसे मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है उसका डेटा कलेक्ट करना, कॉम्पिटिटर्स क्या नई नई स्ट्रेटेजीज बना रहे उसका डेटा कलेक्ट करना, या कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है उसका डेटा कलेक्ट करना। तो इस तरीके से ये जो डिपार्टमेंट है वो मार्केट, कॉम्पिटिटर और कंज्यूमर्स का इन्फॉर्मेशन या डेटा जो कलेक्ट करके लाते हैं और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का प्लानिंग किया जाता है कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाना है। बिकॉज कोई भी एडवर्टीजमेंट का प्लान बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो रिसर्च डिपार्टमेंट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो इन्फॉर्मेशन जो एडवर्टीजमेंट प्लान करने में हेल्पफुल होती है। सो जो भी कैंडिडेट स्टैटिस्टिक में अच्छे हैं वो यहाँ पे प्रिफर किया जा सकता है, प्लस जिन कैंडिडेट को साइकोलॉजी का अच्छा नॉलेज है उनको भी यहाँ पे प्रिफर किया जा सकता है। नाउ साइकोलॉजी कैंडिडेट्स की यहाँ पे प्रिफर किए जाते हैं, तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो लोगों का साइकोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है, तब जाके यहाँ पे उनको क्वेश्चनर देके उनके पास से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ना स्टैटिस्टिक की डिग्री की जरूरत क्यों होती है, तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के बाद में वो डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने पड़ते हैं, तो कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करना है, फिर बाद में वो स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करने के बाद में जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन करना, ये सब के लिए जो स्टैटिस्टिक के कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे प्रिफर किया जाता है। तो ये भी एक करियर ऑप्शन एड एजेंसी में अवेलेबल होता है। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। नाउ यहाँ पे अलग अलग काम होते हैं, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का काम होता है, मतलब रोज का जो भी कैश फ्लो वगैरह होता है वो हैंडल करना, फाइनेंस के काम में कैपिटल रेज करना, कैपिटल को इन्वेस्ट करना, फिर सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना बिकॉज अलग अलग क्लाइंट्स है तो उनके बिल्स वगैरह या उनके जो भी एडवर्टीजमेंट के कॉपीज वगैरह है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ऑफिस मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग वगैरह करना और सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करके सबके पास से काम करवा के लेना, तो ये सारे काम जो होते हैं वो यहाँ पे एड एजेंसी में करने पड़ते हैं। तो कॉमर्स ग्रेजुएट जो होते हैं वो मैनेजमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में अच्छे से काम कर सकते हैं। सो एड एजेंसी का मैनेजमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ये सारे कामों को हैंडल करता है
और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट्स को यहाँ पे प्रीफर किया जा सकता है या इवन एमबीए कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रीफर किए जा सकते हैं। तो ये सारे हम लोग ने यहाँ पे एड एजेंसी में क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं वो हमने देखे। सेकेंड है एडवर्टाइजिंग मीडिया में क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस एडवर्टाइजिंग मीडिया में अवेलेबल हो सकते हैं, जहाँ पे सेलिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस का काम हो सकता है। सेलिंग एंड टाइम एंड स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ने देखा कि जो भी एड एजेंसी होते हैं वो अपने क्लाइंट के लिए टाइम और स्पेस बुक करते हैं और मीडिया वाले ये टाइम एंड स्पेस को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो एडवर्टाइजर को और एड एजेंसी को मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस सेल करने का यहाँ पे करियर ऑप्शन हो सकता है। अलग अलग मीडिया जो है वो वहां पे कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपने मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस सेल करेंगे। जैसे कि अगर सपोज कोई प्रिंटिंग एजेंसी है तो प्रिंटिंग एजेंसी वाले क्या करेंगे, एक कैंडिडेट को अपॉइंट करेंगे, वो कैंडिडेट सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स की बुकिंग लेंगे। तो जैसे हमने देखा कि एड एजेंसी जो होती है वो मीडिया के अंदर टाइम एंड स्पेस को बुक करते हैं, मतलब बाय करते हैं, वैसे ही एडवर्टाइजिंग मीडिया जो होते हैं वो मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस को सेल करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये एक करियर ऑप्शन एड मीडिया में अवेलेबल होता है। सेकेंड है मॉनिटरिंग द रनिंग ऑफ द एड, एडवर्टीजमेंट बराबर रन हो रहे कि नहीं। जैसे कि सपोज कोई न्यूज़पेपर है जिसमें वेनसडे को फ्रंट पेज के ऊपर एडवर्टीजमेंट करना है, तो वेनसडे को फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट प्रिंट हुआ कि नहीं, ये भी देखने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ सकती है। या टीवी है तो टीवी के अंदर पर्टिकुलर टाइम पे वो एडवर्टीजमेंट आया कि नहीं वो देखने के लिए, या फिर सपोज कोई ऐसे होर्डिंग है तो होर्डिंग पे प्रॉपर एडवर्टीजमेंट आया है कि नहीं, ये सब देखने के लिए भी यहाँ पे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जा सकता है जो सिर्फ क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं वो मॉनिटर करेंगे। Then next one is audience and readership research. Now audience and readership research का मतलब क्या है कि लोग हमारे मीडिया को कितना प्रिफर करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर मीडिया वाले क्या करेंगे कि लोगों का सर्वे करेंगे या रिसर्च करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि लोग हमारे न्यूज़पेपर जो प्रिफर करते हैं कि नहीं, और प्रिफर नहीं करते हैं तो उसका रीजन क्या है, उनको क्या कंटेंट अच्छा नहीं लगता है, तो उसके हिसाब से वो मीडिया क्या करेंगे, अपने जो न्यूज़पेपर है उसका कंटेंट जो है वो इम्प्रूव करेंगे। जैसे कि लोगों को क्राइम की न्यूज़ अच्छी नहीं लग रही है तो हम लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट की जो न्यूज़ है वो पुटअप करेंगे ताकि लोग जो है वो हमारे न्यूज़पेपर को पढ़े। क्योंकि क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर का रीडरशिप कम होगा ऐसे न्यूज़पेपर को एडवर्टीजमेंट कम मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मीडिया है वो एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हैं जिनका काम सिर्फ यही होगा कि ऑडियंस और रीडरशिप जो है उसका रिसर्च करने का। या फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि टीवी चैनल है तो टीवी चैनल जो है उसको लोग कितना प्रिफर करते हैं, लोगों को उसके ऊपर का जो भी प्रोग्राम है वो पसंद आता है कि नहीं, ये सब रिसर्च किया जाता है। और अगर सपोज लोगों को कोई प्रॉब्लम है, लोग अगर वो प्रोग्राम पसंद नहीं करते हैं तो लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है और उसके हिसाब से उनको प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। बिकॉज अगेन वो टीवी चैनल्स को एडवर्टीजमेंट मिलेंगे जिनको लोग देखना पसंद करते हैं। तो रीडरशिप का रिसर्च होता है, ऑडियंस का रिसर्च होता है, ये रिसर्च करने के लिए भी यहाँ पे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। तो एड मीडिया के अंदर ऑडियंस रिसर्च करने के लिए और रीडरशिप रिसर्च करने के लिए भी एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज लायसन वर्क। लायसन वर्क का मतलब क्या होता है, जो दो लोगों को जोड़ते हैं। सो स्पॉन्सरर्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, फिर बाद में एडवर्टाइजर्स एड एजेंसीज होते हैं उनको हैंडल करने के लिए भी यहाँ पे एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जा सकता है। सो बेसिकली जो भी एड एजेंसी स्पॉन्सरर एडवर्टाइजर जो होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करना और उनके रिक्वायरमेंट को समझना और उनको मीडिया में टाइम और स्पेस ऑफर करना, ये सब यहाँ पे लायसन वर्क होता है। मतलब यहाँ पे मीडिया और ये जो स्पॉन्सर एडवर्टाइजर एड एजेंसी है इनके बीच में काम करने के लिए यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जा सकता है, जो स्पॉन्सरर एडवर्टाइजर एड एजेंसी के जो रिक्वायरमेंट है वो एड मीडिया को इन्फॉर्म करेंगे। देन मार्केटिंग सर्विसेज, यहाँ पे मीडिया का मार्केटिंग भी करना पड़ता है बिकॉज मीडिया का मार्केटिंग जब तक करेंगे नहीं तब तक उनको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे। सो मार्केटिंग पर्पज के लिए भी यहाँ पे कुछ लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे मीडियाज है जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप, एनडीटीवी ग्रुप, ये सारे मीडियाज है। देन बहुत सारे टीवी चैनल्स है, रेडियो चैनल्स है, D2H है, फिल्म्स वगैरह है, इसमें काफी सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो एक एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर इतने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, जहां पे हमने देखा कि टाइम और स्पेस सेलिंग करना, एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर रनिंग हो रही कि नहीं वो देखना, ऑडियंस का रिसर्च, रीडरशिप का रिसर्च करना ताकि लोगों को क्या पढ़ना पसंद है या लोग क्या देखना पसंद करते हैं वो फाइंड आउट करके उसके हिसाब से मीडिया के अंदर वो प्रोग्राम जो इंसर्ट किए जा सकते हैं।
फिर बाद में जो भी स्पॉन्सरर्स है, जो भी एडवर्टाइजर्स है, एड एजेंसी है, उनका और एडवर्टाइजिंग मीडिया के बीच में कम्युनिकेशन करने का भी यहाँ पे करियर ऑप्शन हो सकता है, और मार्केटिंग सर्विसेज का करियर ऑप्शन हो सकता है। और उसके अलावा ये सारे मैंने आपको मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बताए जहां पे भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट है अदर करियर ऑप्शंस। अदर करियर ऑप्शन में सबसे पहले है करियर एज अ स्क्रिप्ट राइटर। नाउ स्क्रिप्ट राइटर जो है, इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है बिकॉज नंबर ऑफ टीवी चैनल्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं वो स्टोरी लाइन डेवलप करते हैं, कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं और डायलॉग्स वगैरह लिखते हैं। तो आप लोग देखते हो कि कोई भी टीवी में सीन चलता है तो उसका स्टोरी लाइन कि क्या उसमें दिखाना है, उसमें कौन से कैरेक्टर्स होंगे और वो कैरेक्टर्स क्या डायलॉग बोलेंगे, वो सब जो होता है वो डेवलप करने का काम जो होता है स्क्रिप्ट राइटर का होता है। तो अगर किसी भी पर्सन को एज अ स्क्रिप्ट राइटर करियर करना है तो वो प्रॉपर ऑब्जर्वर होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए, बिकॉज ऑब्जर्व करके आपको पता चलता है कि क्या हम लोग को डायलॉग्स बोलने हैं, क्योंकि डायलॉग जो है वो जो भी ऑडियंस है उनको फेमिलियर होने चाहिए, उनको पसंद आने चाहिए, या वो लोग जो बोलते हैं उस हिसाब से डायलॉग होने चाहिए। तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके, प्रॉपर लर्निंग करके यहाँ पे डायलॉग्स लिखे जा सकते हैं। उसी के साथ साथ डे टू डे जो लाइफ होती है उसमें से अलग अलग आइडियाज डेवलप करने आना चाहिए। ये स्क्रिप्ट राइटर्स क्या करते हैं, आजू बाजू के जो लोग होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो लोग किस तरीके से बात करते हैं या उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। So, इसके लिए जो भी स्क्रिप्ट राइटर्स है उनको प्रॉपर ऑब्जर्वर लर्नर होना जरूरी है, प्लस उनको डे टू डे लाइफ में से आइडियाज डेवलप करने भी आना चाहिए। नेक्स्ट इज करियर एज इवेंट मैनेजमेंट। नाउ इवेंट जो है वो हर दिन होते जा रहे हैं, जहां पे हर दिन हम लोग देखते हैं कि वेडिंग्स होते हैं, म्यूजिकल शोज होते हैं, बहुत सारे स्टेज शोज वगैरह होते हैं, या फिर बर्थडे पार्टीज वगैरह होते हैं। तो ये सारे इवेंट्स काफी सारे होते रहते हैं और इसके वजह से इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत जो है काफी ज्यादा होने लग गई है। सो बिकॉज इवेंट जो है वो हर दिन होते जा रहे हैं, इसके लिए इवेंट मैनेजमेंट एक अच्छा करियर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। ना एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज वेल प्लान्ड वेल कंडक्ट और मेमोरेबल इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे सुपरविजन की जरूरत होती है और ट्रेंड और एक्सपीरियंस स्टाफ की जरूरत होती है। जैसे सपोज कोई वेडिंग है तो वेडिंग के लिए कैटरर की जरूरत होती है, स्टेज डेकोरेटर की जरूरत होती है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो ये सब चीजों को प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन करने आना चाहिए। जैसे कि सपोज जो भी स्टेज डिजाइन किया जा रहा है तो वो स्टेज डिजाइनिंग जो है वो ब्राइड और जो भी ग्रूम है उनके ड्रेस कोड के साथ मैच होना चाहिए। फिर प्रॉपरली प्लानिंग होना चाहिए कि कितने बजे खाना स्टार्ट होगा, फिर बाद में कितने बजे इवेंट जो है स्टार्ट होगा, कितने बजे म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, ये सब का प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। प्लस वो इवेंट जो प्रॉपरली कंडक्ट होना चाहिए और मेमोरेबल होना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए प्रॉपर सुपरविजन होना जरूरी है और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ट्रेंड और एक्सपीरियंस स्टाफ की यहाँ पे जरूरत होती है। सो यहाँ पे जो इवेंट मैनेजर होते हैं उनको क्या करना होता है, तो अपने जो इवेंट होता है उसका मार्केटिंग और प्लानिंग करना होता है कि इवेंट किस तरीके से कंडक्ट करना है। फिर उनको सारे ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक को मैनेज करना पड़ता है। ऑपरेशन मतलब सारी एक्टिविटीज प्रॉपर मैनेज करनी है, लॉजिस्टिक मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, चीजें वगैरह टाइम पे पहुंच रही कि नहीं वो सब देखना पड़ता है, इवेंट को हैंडल करना पड़ता है, प्लस पब्लिक रिलेशन करना पड़ता है। सो एडवर्टाइजिंग भी एक इवेंट ही है। एडवर्टाइजिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर इवेंट मैनेजमेंट में आप करियर करोगे तो उसकी वजह से आप एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपरली प्लान कर पाओगे, कंडक्ट कर पाओगे और सब चीजों को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करके आप आपके क्लाइंट को सर्विसेज दे पाओगे। नेक्स्ट वन इज करियर एज कंटेंट राइटर। नाउ कंटेंट राइटर जो होते हो बेसिकली क्या करते हैं, वेबसाइट के लिए या सोशल मीडिया के लिए वगैरह कंटेंट लिखने का काम करते हैं। तो हर एक वेबसाइट जो होता है उसका पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस होता है, तो वो टारगेट ऑडियंस को याद रख के उसके हिसाब से कंटेंट लिखना जरूरी है। जैसे अगर सपोज कोई स्कूल कॉलेज है तो उनका वेबसाइट है तो उनके लिए अलग से कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। कोई ई कॉमर्स कंपनी है तो उनका ऑडियंस अलग है तो उनके लिए अलग से कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। सबके लिए सेम कंटेंट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया जा सकता है। नाउ कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ लाइंस होते हैं जिसके वजह से जो भी वेबसाइट यूजर्स है वो लोग वो वेबसाइट के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन होते हैं। अगर वो कंटेंट जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो लोग वहां पे अट्रैक्ट नहीं होंगे। सो यहाँ पे वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखा जाता है, उनको कंटेंट राइटर बोला जाता है। और ये कंटेंट राइटर जो होते हैं वेबसाइट के लिए भी कंटेंट लिखते हैं, प्लस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए भी कंटेंट लिखते हैं, ई कॉमर्स साइट्स के लिए भी कंटेंट लिखते हैं, और कुछ स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनके वेबसाइट के लिए भी वो कंटेंट लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कंपनी के वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे उनके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स लिखे रहते हैं, ई कॉमर्स कंपनीज होती है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट के डिटेल्स होते हैं,
सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं जहां पे भी कंपनी अपने पोस्ट जो होते हैं वो अपलोड करते हैं, कॉलेजेस होते हैं वो अपने कोर्सेज के बारे में या अपने जो भी कॉलेज के इवेंट्स है उसके डिटेल्स वगैरह उनके वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। तो बेसिकली ये जो कंटेंट राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स लाइंस वगैरह लिखते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट वन इज करियर एज मीडिया मैनेजमेंट। नाउ मीडिया मैनेजमेंट जो होता है, यहाँ पे हर एक सोशल मीडिया जो होता है, यहाँ पे कंपनी का जो ब्रांड होता है उसका प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अलग अलग सोशल मीडिया है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिनइंटरेस्ट, तो ये सारे सोशल मीडियाज अवेलेबल है और आप लोग देखते हो ये सारे सोशल मीडिया के ऊपर कंपनी के ब्रांड के प्रोफाइल्स होते हैं। मतलब आप मिंत्रा का एग्जांपल ले लो, अमेजोन का एग्जांपल ले लो, ये सारी कंपनी ये सब सोशल मीडियाज पे अवेलेबल है, इनके पोस्ट जो आपको हर एक सोशल मीडिया पे दिखाई देगा। सो आप अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में करियर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपनी का ब्रांड प्रोफाइल जो है वो अलग अलग मीडिया के ऊपर मेंटेन करना है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस को कंपनी यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है काफी पावरफुल होता है, तो हर एक मार्केटर जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और वहां पे अपने ब्रांड के प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो ये मीडिया मैनेजर जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये ब्रांड प्रोफाइल बनाते हैं और वो ब्रांड प्रोफाइल को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन जो एडवर्टाइजिंग फील्ड में अवेलेबल होता है। वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन, फ्रीलांसिंग ऑप्शंस फॉर करियर इन एडवर्टाइजिंग। नाउ सबसे पहले फ्रीलांसिंग क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। सो फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी पर्सन खुद के ऑफिस से या खुद के घर से अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। उनको टिपिकली जो ऑफिस का 9 to 6 टाइमिंग होता है उसमें किसी भी ऑफिस में जाके किसी भी बॉस के अंडर काम करने की जरूरत नहीं हो सकती है। वो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करके देते हैं और उसके बदले में उनको उनका फीस मिलता है। सो एडवर्टाइजिंग के फील्ड में फ्रीलांसिंग करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एड एजेंसी को या एडवर्टाइजर्स को अप्रोच कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू। फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे उनको स्लोगन बना के चाहिए या उनको लोगो बना के चाहिए या फिर उनको फोटोग्राफी करके चाहिए, तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको काम करके देते हैं और उसके बदले में फ्रीलांसर्स को फीस के फॉर्म में उनका जो भी कॉम्पेंसेशन है वो पे किया जा सकता है। सो ऐसे कौन से फ्रीलांसिंग ऑप्शंस है जो एडवर्टाइजिंग के फील्ड में करियर ऑप्शंस अवेलेबल करके देखते हैं। तो सबसे पहले है ग्राफिक्स। नाउ ग्राफिक डिजाइनिंग ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो कर रही है और काफी सारे जो ग्राफिक डिजाइनर्स है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिकॉज मीडिया हाउसेस बढ़ते जा रहे हैं, पब्लिशिंग फर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, सो ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड भी यहाँ पे बढ़ते जा रही है। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। विजुअल्स मतलब क्या, पिक्चर्स के थ्रू। जैसे कि ये एक विजुअल बनाया हुआ है, ये एक पिक्चर बनाया है, तो इसके थ्रू कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रही है। या फिर आप लोग ये ग्राफिक देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऐसे कुछ विजुअल्स बनाते हैं जो क्या करते हैं, टारगेट ऑडियंस को वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेट करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल। विजुअल्स मतलब क्या, पिक्चर्स हो सकते हैं या वीडियोज हो सकते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाता है। नो ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो लोग वर्ड्स का, इमेजेस का, वीडियोस का, पिक्चर्स का, ये सब का यूज करते हैं और उनका जो भी एडवर्टाइजिंग मैसेज है या आइडिया है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर ग्राफिक बनाया हुआ है तो यहाँ पे आइसक्रीम का आइडिया या आइसक्रीम का मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, बिकॉज ये ग्राफिक अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। या ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके अंदर भी अलग अलग ग्राफिक्स वगैरह दिखाते हैं, तो वो भी क्या होता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। सो इस हिसाब से ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर वर्ड्स, इमेजेस, वीडियोस, पिक्चर्स, ये सबको कंबाइन करके जो भी एडवर्टीजमेंट मैसेज है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। नाउ ग्राफिक डिजाइनर्स क्या क्या जॉब करते हैं, तो बेसिकली वो लोग लोगो डिजाइन कर सकते हैं किसी भी बिजनेस या प्रोडक्ट के लिए, पैकेजिंग डिजाइनिंग कर सकते हैं, ब्रोशर्स आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर प्रोडक्ट के डिटेल, प्रोडक्ट के फोटोज, फिर बाद में वो प्रोडक्ट को परचेस करने के डिटेल्स, वो सब वहां पे ब्रोशर के ऊपर मेंशन किया रहता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये फास्ट फूड का ब्रोशर देख रहे हो, सो ऐसे ब्रोशर्स बनाना, देन लिफलेट मतलब छोटे छोटे पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो बनाते हैं, बैनर्स बनाते हैं और दूसरे प्रमोशनल डिस्प्लेस जो होते हैं वो ग्राफिक डिजाइनर्स बना के जो भी बिजनेसेस होते हैं उनको बेचते हैं। नाउ ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं उनके पास कुछ चीजों की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या, मास्टर की होनी चाहिए, वो ड्राइंग में मास्टर होने चाहिए,
लेआउट डिजाइनिंग करने आना चाहिए उनको, लेआउट डिजाइनिंग मतलब क्या, एडवर्टीजमेंट का अरेंजमेंट करने आना चाहिए, टाइपोग्राफी मतलब क्या, जो भी रिटर्न मैसेज होता है उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना, डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, कलर सिलेक्ट करने आने चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ पे प्रॉपर रहेगा, कलर्स कॉम्बिनेशन करने होते हैं तो वो सब ग्राफिक डिजाइनर्स को आने चाहिए, फिर उनको आर्ट वर्क भी आना चाहिए, देन फोटोग्राफी आनी चाहिए, स्टाइल ऑफ फॉन्ट मतलब क्या होता है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें सारा का सारा जो फॉन्ट होता है या वर्ड्स होते हैं वो एक ही साइज के नहीं होते हैं, कुछ मैसेजेस जो होते हैं जैसे हेडलाइन होती है तो हेडलाइन जो होता है वो बड़े फॉन्ट में होती है, फिर प्रोडक्ट के डिटेल जो होते हैं छोटे फॉन्ट में होते हैं, सो कौन सा इन्फॉर्मेशन बड़े फॉन्ट में दिखाना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन छोटे फॉन्ट में दिखाना है, कौन से टाइप के फॉन्ट में दिखाना, वो ग्राफिक डिजाइनर को आना चाहिए, और दूसरे जो भी विजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो भी वो डिजाइन करते हैं। तो ये सब चीजों में वो जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो प्रोफिशिएंट होने चाहिए, मतलब एक्सपर्ट होने चाहिए या मास्टर होने चाहिए। नाउ ग्राफिक डिजाइनर्स बेसिकली क्या करते हैं, तो जो भी ग्राफिक होता है उसको प्लान करते हैं कि किस तरीके से ग्राफिक बनाना है, उसका विजुअलाइजिंग करते हैं कि वो ग्राफिक कैसे दिखेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं, मतलब उसको फाइनल रूप देना। तो इस तरीके से ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक का प्लानिंग, विजुअलाइजिंग, इंप्लीमेंटिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं उनको ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू काम जो होता है फास्ट होता है, और काफी सारे सॉफ्टवेयर से जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जो और इजी और इनोवेटिव और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर के पास ग्राफिक डिजाइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये ग्राफिक डिजाइनर का फ्रीलांसिंग का करियर ऑप्शन एडवर्टाइजिंग के फील्ड में हो सकता है। दूसरा फ्रीलांसिंग का करियर ऑप्शन है एनिमेशन। नाउ एनिमेशन जो है वो पहले वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता था, जैसे कि यूरोप है, अमेरिका है, तो वो कंट्रीज जो एनिमेशन इंडस्ट्री को डोमिनेट करती थी, लेकिन अभी इंडिया भी जो है वो एनिमेशन का एक हब बन चुका है, इंडिया में भी काफी ज्यादा एनिमेशन जो होता है वो यूज किया जाता है। एनिमेशन इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री की वजह से काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। हम लोग अगर ये NASSCOM इनका अगर सर्वे देखेंगे तो उसके हिसाब से एनिमेशन इंडस्ट्री जो इंडिया में एवरी ईयर 30% से ग्रो कर रही है, तो ये काफी ज्यादा ग्रोथ जो है एनिमेशन इंडस्ट्री का इंडिया में हो रहा है। एनिमेशन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ मूविंग पिक्चर्स या मूविंग इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं। सो बेसिकली जो इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं मतलब जिनमें जान नहीं होती है उनको एक रियल लाइफ दी जाती है, और ये इन एनिमेट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको किस तरीके से मूविंग किया जाता है, तो उसमें कुछ मॉडर्न कंप्यूटर टेक्निक्स होते हैं जिसको यूज करके ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को मूविंग पिक्चर से इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप लोग ये पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर देख रहे होंगे, तो इसका अगर आप लोग एडवर्टीजमेंट या वीडियो देखोगे तो आप लोग देखोगे कि ये जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं, पर एक्चुअली में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कार्टून कैरेक्टर जो होते हैं वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब उनमें कोई जान नहीं होती है, लेकिन एनिमेशन का यूज करके इनको मूव किया जाता है, मतलब उनकी मूवमेंट दिखाते हैं और वो लोग बोल रहे हैं ऐसा दिखाया जाता है। सो बेसिकली एनिमेशन के अंदर जो भी इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको मूविंग पिक्चर या इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ यहाँ पे एनिमेशन के फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो 3D एनिमेशन या स्पेशल इफेक्ट जो मूवीज के लिए, टीवीज के लिए या एड एजेंसी के लिए क्रिएट किया जा सकता है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन जो एनिमेशन का कोर्स करता है तो वो 3D एनिमेशन कर सकते हैं या स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये गुड नाइट का नीम अगरबत्ती का एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उसके अंदर एक मस्किटो दिखाएंगे और वो मस्किटो क्या कर रहा है, मूव हो रहा है और लोगों से बात कर रहा है, ऐसे दिखाते हैं, तो वो एक तरीके का क्या है, 3D एनिमेशन क्रिएट किया जा रहा है, एक स्पेशल इफेक्ट उसके अंदर डाला जा रहा है। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी जो होता है वो एनिमेशन के फील्ड में अवेलेबल होता है। कुछ लोग जो है यहाँ पे खुद का एनिमेशन का स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं। नाउ एनिमेटर जो होते हैं उनको विजुअल सेंस होना चाहिए, वो ऑब्जर्वेंट होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए और उनके अंदर बहुत सारे पेशेंस होने चाहिए। जैसे कि हम लोग लाइजॉल का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसके अंदर जो जर्म्स दिखाए जाते हैं वो जर्म्स क्या करते हैं, बोलते हुए दिखाए जाते हैं। तो ऐसा विजुअलाइजेशन करने आना चाहिए कि ऐसा क्या दिखाएंगे कि जिसकी वजह से लोग वो प्रोडक्ट तक अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ऐसा एक जम बनाया जो क्या करता है, लोगों के साथ बात कर रहा है, वो लोगों को बता रहा है कि हम लोग ये नुकसान करेंगे, वो नुकसान करेंगे, और फिर वो प्रोडक्ट दिखाया जाता है। तो इस तरीके से विजुअल सेंस यहाँ पे ये एनिमेटर्स क्या करते, क्रिएट करते हैं, जो काफी क्रिएटिव होता है, और ये बनाने के लिए काफी सारे पेशेंट जो होते हैं वो एनिमेटर के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। प्लस यहाँ पे एनिमेटर जो होता है उनका ड्रॉइंग काफी अच्छा होना चाहिए, उनको कंप्यूटर यूज करके स्केचिंग करने आना चाहिए। तो ये सारी कुछ क्वालिटीज होती है जो एनिमेटर्स के अंदर होने चाहिए, तब जाके वो एडवर्टाइजिंग फील्ड के अंदर फ्रीलांसिंग का करियर कर सकते हैं। देन
थर्ड फ्रीलांसिंग का करियर ऑप्शन हो सकता है मॉडलिंग. ना मॉडल्स बेसिकली कौन होते हैं, जो एडवर्टाइजिंग के अंदर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जो लोगों के मन में उस प्रोडक्ट के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं. सो बेसिकली कौन से प्रोडक्ट को ये लोग प्रमोट करते हैं, तो कोई भी हाउस होल्ड आइटम हो सकता है, जैसे सोप होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, या कोई भी फूड आइटम हो सकते हैं, हेल्थ के टॉनिक्स होते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं. तो ये सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मॉडल्स क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. और बेसिकली उनका काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, ताकि कंज्यूमर जो है उनको बाइंग डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो. तो वो सारे प्रोडक्ट के जो भी बेनिफिट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, यूज होते हैं, वो लोगों को कन्वे करते हैं, जिसकी वजह से लोग प्रोडक्ट को परचेस करना है कि नहीं वो डिसाइड कर पाते हैं. नाउ मॉडल जो होते हैं वो अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे फोटोग्राफी के लिए, कैटलॉग के लिए पोजेज वगैरह दे सकते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मॉडल जो होते हैं ऐसे फोटोज में वगैरह यूज किए जाते हैं, तो उनको अलग अलग जो मैगजीन्स होते हैं, कैटलॉग्स होते हैं, उनके लिए पोज देना होता है. प्लस वो लोग अलग अलग कमर्शियल्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कमर्शियल्स मतलब एडवर्टीजमेंट, जहां पे एडवर्टीजमेंट में मैंने आपको बताया कि वो लोगों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बताते हैं. सो मॉडल्स को बेसिकली क्या करना होता है, तो फोटोग्राफी के अंदर पोजेस देने होते हैं, या किसी भी कमर्शियल्स के थ्रू या एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो लोग लोगों को वो प्रोडक्ट की डिटेल्स बता सकते हैं. ना कुछ मॉडल्स जो होते हैं वो सुपर मॉडल्स होते हैं, और उनको एक सेलिब्रिटी का स्टेटस मिला रहता है. ना सुपर मॉडल का मतलब क्या होता है कि जो काफी बड़े मॉडल्स होते हैं और वो लोग काफी पॉपुलर होते हैं, और उनके पॉपुलर इमेज का यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केटर जो यूज करते हैं. ना मॉडल जो होते हैं उनको अलग अलग मीडियाज में यूज किया जा सकता है, जैसे हमने देखा मैगजीन के अंदर फोटोग्राफी के रूप में उनको यूज किया जा सकता है, टीवी के अंदर उनको यूज किया जा सकता है. तो बहुत सारे मीडियाज है जिसके अंदर मॉडल्स का यूज हो सकता है. मॉडलिंग प्रोफेशन जो है पहले फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता था, पर आजकल हम लोग देखते हैं कि काफी सारे मेल मॉडल्स भी अवेलेबल है. सो पहले के जैसा फीमेल डोमिनेटेड ये फील्ड नहीं है, यहाँ पे मेल्स भी एंट्री कर रहे हैं. और मॉडल जो होते हैं उनके पास अच्छा फिजिकल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है, उनको अलग अलग पोजेस देने आने चाहिए, और उनकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे पर्सन मॉडलिंग कर सकते हैं. तो ये भी एक फ्रीलांसिंग करियर ऑप्शन एडवर्टाइजिंग के फील्ड में अवेलेबल है. एंड द लास्ट वन इज वॉइस ओवर या डबिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं. ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी विजुअल चल रहा है उसको एक कॉम्प्लीमेंट वॉइस देने का काम करते हैं. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे टीवी के ऊपर कोई कार्टून चल रहा है, और ये पर्सन उसको क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है. तो जनरली आप लोगों को डबिंग क्या होता है वो पता है, कि जैसे मैंने आपको बोला कि कार्टून कैरेक्टर जो होते हैं खुद बोलते नहीं है, उनको आवाज दिया जाता है, और ये आवाज देने वाले कौन होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं. सो जैसे ही वो कार्टून बनाया, तो वो कार्टून को वो लोग क्या करते हैं, टीवी स्क्रीन के ऊपर प्ले करते हैं, और सामने जो डबिंग या वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं वो जैसे विजुअल जो है वो चलते जाता है, वैसे उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला आवाज जो है वो देते हैं. कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, मैच करने वाला आवाज देते हैं. तो उससे हमको ऐसे लगता है कि वो कार्टून ही हमसे बात कर रहा है करके. तो ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे विजुअल्स को आवाज देने का काम करते हैं. ना ये डबिंग जो होता है इसको ऑफ द कैमरा कॉमेंट्री बोल सकते हैं, कि मतलब यहाँ पे वो कैरेक्टर बन के रेडी हो चुका है, अभी उसको सिर्फ क्या करना है, आवाज देना है. तो वो आवाज यहाँ पे दिया जाता है, इसकी वजह से इसको ऑफ कैमरा कमेंट्री बोला जाता है. यहाँ पे अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशंस या वेरिएशंस यूज किए जाते हैं, जो भी ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, मतलब जो भी सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसको वॉइस मॉड्यूलेट किया जाता है जो वो विजुअल के साथ मैच हो. सो टेलीफिल्म हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, सीरियल, न्यूज, उसके लिए यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन किया जा सकता है. अभी एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत होती है, तो लैंग्वेज के ऊपर प्रॉपर कमांड होना चाहिए, लैंग्वेज एकदम प्रॉपरली बोलने आनी चाहिए वो पर्टिकुलर पर्सन को. दूसरा, वॉइस में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए. देन प्रॉपर लिप मूवमेंट सिंक्रोनाइज होने चाहिए, मतलब उधर सामने जो टीवी स्क्रीन के ऊपर जो कैरेक्टर है वो जैसे लिप मूवमेंट कर रहे, तो उसको ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सिंक्रोनाइज करने आना चाहिए, मतलब मैच करने आना चाहिए, मतलब जैसे उनके लिप मूवमेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उनको कॉन्सेंट्रेट करके डायलॉग बोलने आने चाहिए, ताकि उनके लिप मूवमेंट और डायलॉग जो है वो मैच हो जाए. पिच ऑफ द वॉइस, मतलब वॉइस कहाँ पे रेज करना है, वॉइस कहाँ पे लो करना है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को प्रॉपर तरीके से आना चाहिए. फिर बाद में जो भी कैरेक्टर सामने टीवी में दिख रहा है उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका जो जेस्चर है, उसका जो पोज है, उसके हिसाब से टोन और साइलेंस जो है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को क्रिएट करने आना चाहिए. और बेसिकली ये जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं उनको जो भी इमोशंस है वो अपने वॉइस के थ्रू सामने वाले विजुअल के साथ परफेक्टली सिंक करके, मतलब मैच करके कन्वे करने आना चाहिए. तो ये सारी क्वालिटीज अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर अवेलेबल है, तो वो एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट जो है वो अपना फ्रीलांसिंग करियर बना सकते हैं.
सो ये सारे फ्रीलैंसिंग करियर ऑप्शंस एडवर्टाइजिंग फील्ड में अवेलेबल होते हैं। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।